नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीटीएस राशन की कालाबाजारी करने वालों पर गुना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लगभग 4.5 लाख रुपए का चावल, बाजरा, गेहूं कुल मिलाकर 228 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। राशन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोग भी गिरफ्तार। कैंट थाना पुलिस ने की कार्रवाई। राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि विगत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से मिले निर्देश अनुसार जिले में कार्रवाई करने के निर्देश पारित किए गए थे। इसी सिलसिले में आज सुबह धरनापदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर से एक टाटा मैजिक क्रमांक MP08GA2293 PDS का राशन लेकर गुना तरफ आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई करते हुए चेकिंग की गई। उक्त मैजिक गाड़ी की तलाश में पुलिस टीम को वह मैजिक गाड़ी टोल नाका बाईपास के पास दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया तो वह गाड़ी एक गोदाम के अंदर घुस गई, जहां पर पुलिस द्वारा दो व्यक्ति को राशन में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अंकित पुत्र रामदयाल नामदेव उम्र 26 साल निवासी नई सड़क गुना व हेल्पर ने अपना नाम सिद्धांत पुत्र शंकर लाल कोरी उम्र 22 साल निवासी नई सड़क होना बताया। पुलिस द्वारा मैजिक गाड़ी में रखे हुए कट्टों को खोलकर देखा तो उसमें चावल भरा होना पाएगा। गाड़ी में चावल के कुल 23 कट्टे 11 क्विंटल 50 किलो चावल मिला। जब पुलिस द्वारा गोदाम के अंदर चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में पूर्व से संग्रहित पीडीएस राशन से भरे कट्टे मिले। उक्त सामग्री खाद्य विभाग से संबंधित होने पर इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी गई, जिस पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम कुशवाहा मौके पर पहुंचे और गोदाम व मैजिक में मिले राशन को शासकीय वितरण प्रणाली का खाद्यान्न होना बताया। उक्त राशन के पीडीएस के होने की पुष्टि पर पुलिस द्वारा उसे विधिवत जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना की जानकारी SP राजीव कुमार मिश्रा ने वीडियो जारी कर दी। महोदय एवं DGP महोदय द्वारा विभिन्न माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में खाद्यान्न माफिया के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कैंट थाना अंतर्गत कि एक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न है, उसको कालाबाजारी करते हुए और दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिसका कि संग्रहण किया जा रहा है और वहाँ से आगे बेचा जाएगा। इसी सूचना पर TI कैंट अवनीत शर्मा एवं उनकी टीम ने उनको निर्देशित किया गया, घेराबंदी उनके द्वारा की गई और एक टाटा मैजिक को घेर कर पकड़ा गया, जो कि गोदाम में बाईपास स्थित एक गोदाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल खाली कर रहा था। यह 23 कट्टों में भरा हुआ 11 क्विंटल 50 किलो चावल था एवं इस गोदाम में इसके अतिरिक्त भी पूर्व से ही 355 कट्टे रखे हुए पाए गए, जिसमें कि 177 क्विंटल 50 किलो चावल, 60 कट्टों में 30 क्विंटल बाजरा एवं इस जूट की जो बोरियां होती हैं, जो कि खाद्य विभाग की होती हैं, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान दिया जाता है, वो लगभग 1000 बोरियां वहां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार इस गोदाम में अवैध संग्रहण जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किया जा रहा था, जो गरीबों के लिए अनाज होता है उसका संग्रहण करके और उसको विक्रय के लिए रखा जा रहा था। यह जो माल है यह झागर स्थित एक कंट्रोल की दुकान से लाया जा रहा था, जिसमें कि प्रियांशु अशोक शर्मा ये संचालित करते थे और वहाँ से ये सामान लाया गया था। इसके पूर्व का सामान भी विभिन्न दुकानों से लाया गया होगा। इस संपूर्ण कार्रवाई में जो कंट्रोल के जो मालिक है प्रियांशु शर्मा, उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका गोदाम है ओम प्रकाश, गोदाम घनश्याम साहू का है, उसको गिरफ्तार किया गया है। जो गाड़ी है वो ओम प्रकाश प्रजापति की थी जिससे लाया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी इसमें विवेचना की जा रही है और इसमें सारे सूत्रों को देखा जाएगा कि ये किस तरह से गरीबों का माल चोरी करके ले जाया जाता था और बेचा जाता था। एक तथ्य इसमें और सामने आया है कि कुछ गरीबों को बहला फुसला कर, जिनको 1 रुपये किलो ये माल दिया जाता है, उनसे वापस 5-6 रुपये में उनको लालच देकर ले लिया जाता था और लेकर फिर ज़्यादा मात्रा में ये वापस बाजार में बेच दिया जाता था। इस प्रकार की भी कार्रवाई ये चल रही थी। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 420(3)(7) EC Act 120B और कालाबाजारी एवं चोर बाजारी अधिनियम के तहत भी इसमें जिला दंडाधिकारी महोदय से कार्रवाई के लिए निवेदन किया जा रहा है और वहां से इसमें कार्रवाई की जाएगी। विवेचना भी जारी है, जिस टीम ने ये कार्य किया है उसको पृथक से अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा।
इस प्रकार गुना पुलिस द्वारा शासकीय राशन की कार्रवाई करने वाले पर कार्रवाई करते हुए राशन को बेचने वाले सेल्समैन, खरीदने वाले सेठ, वाहन उपलब्ध कराने वाले वाहन मालिक, राशन को वाहन ले जाने वाले ड्राइवर व हेल्पर के विरुद्ध कार्रवाई की। शासकीय राशन की कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई में कैंट टी आई अवनीत शर्मा, उनी मुन्नालाल भगत, सा उनी राकेश सिवारे, सा उनी सुरेश शर्मा, सा उनी भूपत सिंह परियार, आरक्षक कुलदीप भरोरिया, आरक्षक गौरी शंकर सासी, आरक्षक हरि रघुवंशी, आरक्षक नवदीप अग्रवाल एवं सैनिक पहला लोधा एवं सैनिक अरविंद धाकड़ की विशेष भूमिका रही।